काना, ये देखो। काना, तुम मुझे मत्स्य अवतार की कथा सुनाने वाले थे। क्या मत्स्य भगवान पवित्र वेदों को हयग्रीव के बंधन से मुक्त करवा पाए? राधे, ये कथा केवल हयग्रीव के बंधन से पवित्र वेदों की मुक्ति की नहीं है। इस कथा के भीतर महाराज सत्यव्रत के मनु बनने की कथा, देवी सौदामिनी को मिलने वाले न्याय की कथा, 12 कल्प के आरंभ होने की कथा, नव सृष्टि की रचना की कथा और श्री हरि विष्णु के एक और अवतार की कथा भी समाई है। सुंदर, अति सुंदर काना, अब कथा का आरंभ करो। इस कथा की 2 धाराएं हैं राधे। पहली धारा हयग्रीव के साथ पाताल की ओर और दूसरी धारा राजा सत्यव्रत के साथ पृथ्वी में चलेगी। असुरों की शक्ति से जन्म लेने वाले असुरराज हयग्रीव ने मत्स्य की बात नहीं मानी, जिससे मत्स्य क्रोधित हो गए। उनके सींगों पर अग्नि का विस्फोटक प्रकट हो गया। वो हयग्रीव पर प्रहार करने ही वाले थे कि ओम मत्स्य रूपाय नमः। मत्स्य भगवान, महर्षि कश्यप के पुत्र वासुकी का प्रणाम स्वीकार करें। वासुकी, इससे पहले कि मेरा क्रोध इस मूर्ख हयग्रीव का सर्वनाश कर दे, समझाओ इसे कि ये पवित्र वेदों को आदर पूर्वक मुझे लौटा दे। जो आज्ञा स्वामी। मूर्ख हयग्रीव, यदि जीवित रहना चाहता है तो मत्स्य भगवान की आज्ञा का पालन कर। नहीं, कभी नहीं। इन वेदों के कारण ही मत्स्य मुझ पर प्रहार नहीं कर रहा। वेदों के कारण ही प्रलय काल में मेरी और पाताल की रक्षा होगी। मैं इन्हें मुक्त नहीं करूंगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा मत्स्य, कुछ नहीं। वासुकी, मेरी रक्षा करो वेदों, अपनी वैदिक शक्ति से मेरी रक्षा करो। इस समय मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। पवित्र वेदों के साथ रहकर भी अधर्म की काली छाया ने तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा है ग्रीव। पवित्र वेद किसी के सेवक नहीं, वे आदरणीय और पूजनीय हैं। इनके दिखाए मार्ग पर चलकर संपूर्ण संसार को जीता जा सकता है, किंतु तुमने तो वेदों को बंदी बना के रखा हुआ है। पवित्र वेदों, असुर हयग्रीव के कारण आपको जो कष्ट हुआ उसका हमें खेद है। अब ब्रह्मा जी की अघोर रात्रि तक आप चारों मेरे हृदय में वास करें। वासुकी, कोई तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, जाओ और उसकी सहायता करो। जो आज्ञा स्वामी। ओम मत्स्य रूपाय नमः। मुझे क्षमा कर दो मत्स्य, मुझे मत मारो। मैं मरना नहीं चाहता, मैं तुम्हारा शरणागत हूँ मत्स्य, मुझे मत मारो।
क्षमा कर दो मुझे। हैग्रीव, तुम असुरों की अधर्मी शक्ति से जन्मे हो। विश्वासघात अधर्मी शक्तियों का सबसे प्रिय अस्त्र है। तुमने मेरी शरण ली है और शरणागत पे प्रहार करना वेद ज्ञान के विरुद्ध है। इस कारण मैं तुम्हें प्रलय काल में भी जीवित रहने का वरदान देता हूँ। धन्य धन्य हुआ प्रभु, आपकी कृपा और आपका वरदान पाकर मैं धन्य हुआ। तुम जब तक अधर्म नहीं करोगे हैग्रीव, तब तक मैं तुम्हारा वध नहीं करूंगा। धन्य हुआ प्रभु। नारायण नारायण। प्रणाम पितामह। अपने पुत्र को अपने हृदय में स्थान दीजिए। अस्य रूपाय नमः। मत्स्य रूपाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपका स्वागत है ब्रह्मदेव। आपकी अघोर रात आरंभ होने वाली है, आप कृपया हमारे हृदय में एक रात सुख पूर्वक लंबी निद्रा ले लें। हम भरसक प्रयत्न करेंगे कि आपकी निद्रा में कोई बाधा ना पड़े। इस कष्ट के लिए क्षमा चाहता हूं प्रभु। ये मेरा सौभाग्य है, 1000 महायुगों के बराबर मैं अपनी पूर्ण घुरात आपके हृदय में आश्रय करूंगा। ओम मत्स्य रूपाय नमः। राधे, इस संसार में सब कुछ विनाशशील है, जो आया है उसका जाना और नष्ट होना निश्चित है। हर कल्प के अंत में होने वाला महाप्रलय विनाश के उसी सिद्धांत को पूरा करता है। महाप्रलय आरंभ हो। दृष्टिकांत हो। संपूर्ण संसार नष्ट हो। भू भुवः स्वः ध्वस्त हो।
रक्षा करें पालनहार, रक्षा करें प्रभु, इस महाकाल से बचाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। प्रलय का प्रचंड प्रहार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने मत्स्य से वरदान पाया है। महारुद्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नहीं, मुझे मत्स्य ने प्रलय काल में जीवित रहने का वरदान दिया था। ये क्या हो रहा है? नहीं, मत्स्य मेरी रक्षा करो। मत्स्यरूपाय नमः। मत्स्य भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली महाराज। सप्त ऋषियों की दिव्य नौकाएं आ गई हैं और हम अब भी जीवित हैं। महर्षि अंगीरा, आप संसार में प्रथम अग्नि के रूप में विख्यात हैं। इस समय महाराज सत्यव्रत को केवल आप ही रोक सकते हैं। उन्हें रोकिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। ठहरो सत्यव्रत। सौदामिनी, ब्रह्मांड इस वक्त शिव इच्छा के अधीन है। मत्स्य भगवान ने तुम पे नव सृष्टि निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण कार्य सौंपा है। चलो मेरे साथ नौका पर चलो। देखो सब जीव जंतु पशु पंछी सारे जोड़े इस नौका पर सवार हो चुके हैं। चलो। नहीं, अगर सौदामिनी नहीं चलेगी तो हम भी नहीं जाएंगे। तुम्हें आना होगा सत्यव्रत, तुम्हें आना होगा। अगर तुम नहीं आओगे तो नव सृष्टि का आरंभ कैसे होगा? नहीं, हम नहीं जानते। हट ना करिए सत्यव्रत, भगवान शिव भोलेनाथ हैं, वे अपने भक्तों को निराश नहीं करते। मुझ पर नहीं, उन्हें सौदामिनी पर कृपा करनी चाहिए थी। सौदामिनी, महादेव के लिए तुम में और सौदामिनी में कोई अंतर नहीं है। अपने पुण्य देकर तुमने उसे अपने समान बना लिया था सत्यव्रत। सत्यव्रत देखो वासुकी भी आ गए। उनकी पूछ को दिव्य नौका बांध कर कार्य आरंभ करो वत्स। ब्रह्मदेव की अघोर रात्रि आरंभ हो।
नहीं महाराज, नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है महारानी, यदि आप हमारे साथ नहीं चलेंगे तो नवसृष्टि में हम भी रहने के इच्छुक नहीं हैं।